हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए सूजी और पोहे की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। तो इसे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी वाली मिक्सी जार में एक कप सूजी लेनी है, मोटी या बारीक दोनों चलेगी। और इसमें हमें एक कप पोहा लेना है, जिसे हम चूड़ा भी कहते हैं। तो अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद आप इसमें उसी कप से, जो आप कप लेंगे उसी कप से, एक कप पानी प्लस आधा कप पानी मैंने और डाला है इसमें। तो अभी तो आधा कप पानी डाला है, कंसिस्टेंसी देख के हम इसमें उसी हिसाब से पानी डालेंगे। तो चलिए इसके हम अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, एकदम फाइनली एकदम अच्छे से पेस्ट इसका तैयार है। तो यहाँ पर एक बाउल ले लीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो जो थोड़ा सा लगा था उसमें मैंने पानी डालकर अच्छे से घोल कर निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप आधा लेमन ले लीजिए। अगर आपको नींबू नहीं डालना है तो पानी की जगह पर आप उसी हिसाब से दही डालिएगा, नहीं तो अगर दही नहीं है तो आप आधा नींबू ले लीजिए, उसे ही डाल दीजिए। और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा चम्मच, लगभग आधा चम्मच से भी कम, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, आप चाहें तो इनो फ्रूट सॉल्ट जो आता है इनो, उसे भी डाल सकते हैं इसी मात्रा में। यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ली है मैंने, इसे भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ही थिक है। तो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जो कि हर मौसम में अवेलेबल होते हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, खीरा और प्याज। आप गाजर और अपने मनपसंद सब्जियाँ ले सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन सब्जियों को एकदम बारीक इसी तरीके से कट करना है आपने। तो चलिए फटाफट हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आप अपने मन की सारी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, जो कि वैसे थोड़ी सी कुक होने पर खाई जाती हूँ। तो सबसे पहले एक पैन चढ़ाइए गैस पर और उस पर बिल्कुल ज़रा सा तेल लगाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी है तेल की। तो इसे लगाने के बाद हम एक करछी यहाँ पर डालेंगे हमारा पेस्ट। आप चाहे थोड़ा सा और बड़ा भी बना सकते हैं। तो आप देखिए कितने अच्छे से इसमें होल होते जा रहे हैं छोटे छोटे, जितना कि मैंने इसे रेस्ट कराया है 1 से 10 मिनट के लिए। बस ये इतने में ही बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इजी नाश्ता है। तो यहाँ पे जो सारी सब्जियाँ मैंने कट करके रखी हैं उसे ऊपर से डालकर फोक से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि ये इसमें एकदम अच्छे से ज्वाइंट हो जाएँ। और आप अगर इसे सादा खाना चाहते हैं तो इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इधर साइड में सेकेंगे और देख सकते हैं आप, बहुत ही क्रिस्पी होता जाएगा ये। जो इसमें पोहा पड़ा ना, इसकी वजह से हम इसे जब खाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होगा। दोनों साइड से आपको थोड़ा थोड़ा सेक लेना है। ये बिल्कुल रेडी है, तो दूसरा वाला भी हम इसमें थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल और ये हमारा पेस्ट। फिर से इसे डाल देंगे और इसे इसी तरीके से, थोड़ा सा मोटा रहता है ये, तो आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा फैला दीजिए। और इस पर हमारी वेजिटेबल्स डालकर फिर से हम इसी तरीके से इसे बना लेंगे। और मैंने दोनों तरफ से सेका है इसलिए, ताकि सब्जियां भी थोड़ी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए, एक प्लेट एक उतने में कम से कम 6 से 7 पीसेस तैयार हैं। इसे आप अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए। मैंने बहुत सारे नाश्ता की रेसिपी डाल रखी है और उसमें चटनी की रेसिपी भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप इसकी एक बाइट लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज़।